30 लाख लोग। यार इतने सारे लोग हैं भी इस दुनिया में या नहीं पता है यार। इस बार तो 25 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं और पिछले साल तो सिर्फ 20 लाख लोग थे। एक ही साल में 5 लाख लोग बढ़ चुके हैं। कैसे होगा मेरा सिलेक्शन यार? कंपटीशन तो अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका है। क्या आपके मन में भी ऐसा सवाल है? क्या आपको भी ये सवाल तंग कर रहे हैं कि क्या होगा यदि और भी कैंडिडेट्स आके जुड़ जाएं? क्योंकि कंपटीशन तो इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और चांसेस काफ़ी घट जाते हैं सफल होने के। बने रहिए इस वीडियो के साथ और आप ये पाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में साइंटिफिक तरीका क्या है, मैथ्स कैसे काम करता है और क्या वो रीज़न है जिसके कारण आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, चाहे 2 लाख और बच्चे जुड़ जाएँ, 10 लाख और बच्चे जुड़ जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। क्यों बढ़ रहे हैं लोग? सिंपल सा सवाल। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, साथ साथ एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है। इसी कारण से और भी लोग इस एग्जाम को देने के लिए राजी हो रहे हैं। वो एग्जाम कोई भी हो सकता है, चाहे वो मैथ्स का एग्जाम हो या फिर साइंस से रिलेटेड कोई एग्जाम हो या कोई जनरल कंपटीशन से रिलेटेड हो, UPSC हो, BPSC हो, कोई भी एग्जाम हो। एजुकेशन बढ़ रहा है तो कैंडिडेट्स भी बढ़ रहे हैं, सिंपल सा रीजन। तो क्या ये अच्छा है या खराब है? ऑफकोर्स यदि हम एक अच्छे सिटीजन होंगे भारत के तो हम ये मान के चलेंगे कि ये तो अच्छा ही हो रहा है। क्या हम ऐसा चाहेंगे कि हमारे देश की जो एजुकेशन स्तर है वो नीचे गिरे? नो। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन बढ़ना हमारे देश के लिए अच्छा है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एजुकेशन बढ़ने से जो कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं ये हमारे लिए घातक है, ये हमारे लिए बुरा हो रहा है, क्योंकि ये सोचना बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर क्या करें? दोस्त, क्या आपने अपने एग्जाम के कट ऑफ को एनालाइज करा है? क्या कैंडिडेट्स बढ़ने से कट ऑफ बढ़ जा रहे हैं, और यदि वो बढ़ रहे हैं तो कितने मार्क्स से बढ़ रहे हैं? यदि आप कभी भी इस बात पे फोकस करोगे तो आप ये पाओगे कि यदि आपके एग्जाम का टोटल मार्क्स यदि 100 था तो यदि कट ऑफ 50 आ रहे थे, इवन 5 लाख कैंडिडेट बढ़ने से भी वो कट ऑफ 70-80 नहीं हो गए, वो कट ऑफ आज भी 50-51-52-53 यही है, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, जनरल कंपटीशन हो, साइंस से रिलेटेड हो, आर्ट्स से रिलेटेड हो, कॉमर्स से रिलेटेड हो, डजंट मैटर। कट ऑफ नहीं बढ़ता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ने से। और दूसरी बात, यदि 100 मार्क्स का आपके एग्जाम दे रहे थे तो चाहे 10 लाख लोग और जुट जाएं, क्या वो 100 मार्क्स चेंज हो रहा है? वो आज भी 100 है, वो आज भी 10 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। उसी में से जिसने 10 में 10 क्वेश्चन सही कर दिया उसको 100 मार्क्स आ जाएंगे और वो टॉपर बन जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसको पोस्ट मिल जाएगा, उसको कॉलेज मिल जाएगा। तो आप ऐसा मीडियोकर टाइप से क्यों सोच रहे हो कि मैं कट ऑफ के करीब वाला स्टूडेंट हूँ और मैं कभी भी टॉपर नहीं बन सकता? क्योंकि इस सोच से तो आप ऐसे भी किसी कॉलेज या किसी पोस्ट पर नहीं जाने वाले। ये सोच रखना कैंडिडेट्स बढ़ने से मेरी सिलेक्शन रुक जाएगी, कतई एक मीडियोकर और फेलियर इंसान की कहानी। ये सोच एक फेलियर इंसान की सोच है, क्योंकि कैंडिडेट्स बढ़ने से कट ऑफ पे लिटिल बिट प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिस नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है वो नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। यदि 100 मार्क्स है, यदि 90 मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है किसी बंदे का, तो आज भी 90 ही है, 50-55 कट ऑफ जा रहा है और 90-80-95 और इस मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ने से कट ऑफ पे लिटिल बिट प्रभाव पड़ता है और जो सिलेक्शन जिस नंबर पे हो रहा है बंदे का वो नंबर में ज्यादा चेंज नहीं है। तो आप क्यों नहीं 100 को टारगेट कर रहे हो और आप क्यों 50 को टारगेट कर रहे हो? यदि मैं 50 ही ला पा रहा था तो अब तो 55 हो जाएगा टारगेट, मैं तो वो भी नहीं ला पाऊँ। तो अपनी सोच को सुधारें, 50 को ना टारगेट करें, 70 को टारगेट करें, 80 को टारगेट करें, 90 को टारगेट करें और टॉपर की लिस्ट में आने की सोचें। यदि आप अपने कट ऑफ को टारगेट करोगे, यदि आप 100 सोचोगे तो 80 मिलेगा, यदि आप कट ऑफ 50 को टारगेट कर रहे हो तो आप 30-35 पे आके अटकोगे। क्यों इस नंबर को टारगेट कर रहे हो? फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ, जब कैंडिडेट्स बढ़ते हैं तो कट ऑफ चेंज होता है लिटिल बिट, जिसके कारण हमारे फाइनल मार्क्स में जो हमारे सिलेक्शन वाले मार्क्स है उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो बंदे हायर मार्क्स को टारगेट कर रहे थे, उस हिसाब से मेहनत कर रहे थे, उन बंदों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। इसलिए थिंक लाइक ए टॉपर एंड नॉट लाइक एनी रेगुलर एस्पिरेंट, क्योंकि टॉपर फुल मार्क्स को सोचता है और एक नॉर्मल एस्पिरेंट वो कहानियों में, डे ड्रीमिंग में घूमता रहता है और वो फाइनली कहीं ना कहीं कट ऑफ के आसपास जाके अटकता है और वो फिर वो ये कहता है कट ऑफ तो इस पर 10 मार्क्स आगे बढ़ गए हैं, इस कारण से मैं फेल हो गया। अरे 10 मार्क्स नीचे भी रहते तो आप तो सिर्फ कट ऑफ पार कर रहे हो और उससे क्या होता है? कोई कॉलेज, कोई पोस्ट नहीं मिलने वाला था, तो आपने जो मेहनत की जिसके अकॉर्डिंग वो मार्क्स ही काफी कम थे, आपको मिलेंगे भी उससे काफी कम। 100 का टारगेट करोगे 80 मिलेंगे, 80 का टारगेट करोगे 60 मिलते हैं। इसलिए टारगेट फॉर 120 सो दैट यू विल गेट 100 एटलीस्ट। एक कैंडिडेट जो जो बिल्कुल सफल होगा उसका माइंडसेट कैसा होता है? वो एक पार्टिकुलर मार्क्स को टारगेट करता है और साथ साथ एक पोस्ट या एक कॉलेज को टारगेट करता है जो उसको चाहिए और वो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करता है। यदि मान लीजिए 100 मार्क्स का कोई एग्जाम है तो वो एक मार्क्स 90 को टारगेट करेगा और वो ये टारगेट करेगा कि इस 90 मार्क्स से मुझको पार्टिकुलर पोस्ट मिलेगा या फिर पार्टिकुलर कॉलेज मिलेगा, चाहे आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, और फाइनली उसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग वो मेहनत करेगा और वहाँ पहुँचने के लिए वो बहुत सारे टेस्ट लिखेगा, वो अपनी तैयारी काफ़ी ज़्यादा करेगा और फिर टेस्ट लिखेगा और उस टेस्ट में वो कोशिश करेगा कि मैं 70-75 पाए के ना अटकूँ। मैं तब तक उस तरह के टेस्ट को देते रहूँ जब तक कि मेरा मार्क्स 90 पार न कर, और वंस मैं 90 पे जाके पहुँचूँ तो मैं ये कोशिश करूँ कि आने वाले जो भी टेस्ट हैं उसमें 90 तो कम से कम आए ही, उससे ऊपर जाए। सो वंस यू रीच देयर मेक इट फिक्स कि 90 मार्क्स तो मैं किसी भी स्थिति में लाऊंगा ही। वंस आप ये फिक्स कर देते हो उसके बाद आप चिल रहे हैं, वंस आप चिल हो जाते हो तो टेक इट इजी, बी इजी एंड स्ट्रेसलेस, क्योंकि जो बंदा स्ट्रेसलेस रहेगा एग्जाम में वो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा। मैं फिर से एक बार समराइज करता हूँ एक मिनट के अंदर में कि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते हैं इसका सिंपल मतलब है कि देश में एजुकेशन की स्थिति बढ़ रही है जो कि हमारे देश के लिए काफी अच्छा है, लेकिन एज एन एस्पिरेंट हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ने से कट ऑफ चेंज होता है लिटिल बिट। जो बंदे कट ऑफ की तैयारी कर रहे थे वो फेल हो जाते हैं, जो बंदे सिलेक्शन की तैयारी कर रहे थे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि जिस मार्क्स पे सिलेक्शन होना है वो मार्क्स चेंज नहीं हो रहा है। यदि 100 में से 90 मार्क्स चाहिए तो आज भी उस 90 मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है, और यदि आप टारगेट ही कर रहे थे कि मैं कट ऑफ मार्क्स लाऊंगा तो ऑफकोर्स आप फेल हो गए। इसलिए आप कट ऑफ मार्क्स को टारगेट ना करें और उस मार्क्स को टारगेट करें जिस मार्क्स पे सिलेक्शन होता है, और कोशिश करें पहले से कि मैं कौन से मार्क्स को टारगेट कर रहा हूँ, उससे मेरे को क्या पोस्ट या इस कॉलेज मिलने वाले हैं। अगेन आप अपने जितने भी टेस्ट सीरीज और प्रिपरेशन का पार्ट है उसको उस नंबर के अकॉर्डिंग करें। ऑलवेज थिंक अबाउट द नंबर, नॉट अबाउट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट वो नंबर जो आपने 100 में से 90 मार्क्स जो आप लाना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हो। हमेशा खुद के चेंज से ही सिलेक्शन होता है, कभी भी एनवायरमेंट के चेंज से सिलेक्शन नहीं होगा। हमेशा खुद में चेंज लाने की कोशिश करें, उस मार्क्स तक पहुंचे। वंस आप उस मार्क्स पहुंचे तो आप ये फिक्स करें कि चाहे मैं कितने भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहूं, कोई भी सिचुएशन आए, मैं उस मार्क्स से नीचे तो स्कोर नहीं करूंगा। वंस आप उस पॉइंट पे पहुंच जाए, उस पॉइंट के थ्रेशोल्ड को पार कर जाएं, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपका सिलेक्शन होगा ही और निश्चित ही होगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ये सारे जो आपके सवाल है दिमाग में, कीप इट सिंपल रखें इसको, और यदि आप इसको सिंपल नहीं बना पा रहे हैं तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे फिर एक बार। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है आपके दिनचर्या में आने वाले सारी तरह के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, और वो भी सरल और एफिशिएंट वे में। आशा करता हूँ आप सेहतमंद हो। धन्यवाद।